इलाहाबाद में बीजेपी के एक विधायक की दबंगई कैमरे में कैद हो गई। इससे नेताजी इलाहाबाद के एसपी को जूता मारने की धमकी देते नजर आ रहे हैं। आप भी देखिए नेताजी की बदजुबानी का ये वीडियो। लात घूसे और जूता मारने की धमकी देने वाले ये हैं इलाहाबाद उत्तर से बीजेपी विधायक हर्षवर्धन वाजपेयी। विधायक जी की जुबान से जूते मारने के ये भद्दे शब्द किसी और के लिए नहीं बल्कि शहर के एसपी सुनील सिंह के लिए निकले हैं। आप एक बार फिर गौर से इनके बड़बोले शब्दों को सुनिए। विधायक जी के जूता मारने वाले तेवर उस वक्त दिखे जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इलाहाबाद के दौरे पर पहुंचे। वे बांगबरी गद्दी मठ पर पहुंचने वाले थे जहां पर सीएम के साथ सिर्फ कैबिनेट मंत्रियों को ही अंदर जाने की इजाजत थी। गंगा पार एसपी सुनील सिंह अपनी इसी ड्यूटी को निभा रहे थे मगर इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए इलाहाबाद के उत्तरी क्षेत्र से विधायक हर्षवर्धन भी पहुंच गए। वे सीएम के साथ अंदर जाना चाहते थे लेकिन एसपी ने उन्हें गेट पर ही जाने से रोक दिया और कहा कि उन्हें अंदर जाने की इजाजत नहीं है। इतना सुनते ही विधायक जी थमथमा गए, वे एसपी पर बरस पड़े। इस दौरान उन्होंने एसपी को लात और घूसे और जूतों से मारने की बदजुबानी कर डाली। जब विधायक जी अपनी जुबान से जिल्लत भरे लफ्ज एसपी को न्यौछावर कर रहे थे तब वे जानते नहीं थे कि खाकी पर उनकी इस अभद्रता की तस्वीर कैमरे में कैद हो गई है। उनसे जब इस बारे में पूछा गया तो विधायक जी ना कहते कहते भी कह गए कि जो शब्द कहे हैं वो भी बहुत कम है। इस तरीके के टर्म्स नहीं यूज किए। मैंने ये जरूर कहा कि अगर आप अपना ये सीनियर मंत्रियों को जो हम लोग के सब के लिए पितातुल्य हैं, जिनको हम लोग यंग जो विधायक हैं हम लोग उनको एक आदर्श के रूप में देखते हैं और जिनका एकदम स्पॉटलेस ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, अगर हम उनको इतना भी सम्मान नहीं दे सकते कि हम लोग उनको अगर वो हॉस्पिटल से उठे हैं तो उनके लिए हम लोग एक गेट खोल दें, तो ज़रूर ऐसे अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई होगी और कोई भी शब्द प्रयोग किया जाए वो कम है। ये पहला मौका नहीं है जब विधायक हर्षवर्धन की दबंगई का मामला सामने आया हो। बीजेपी के इस विधायक पर पहले भी जिले के एक सब इंस्पेक्टर को फोन पर गाली देने का आरोप लगा है। फिलहाल इस मामले में ना तो एसपी साहब ने कुछ कहा है ना ही पुलिस का कोई अधिकारी इस मामले में कुछ कहने के लिए सामने आया है। इमरान लाइक, इंडिया टीवी, इलाहाबाद।